हेलो स्टूडेंट्स, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो स्टूडेंट, आज हमने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स, यानी कि पूरे फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताकर रहूंगा, और अब की बार आपको फिजिक्स में टॉपर बनाकर रहूंगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में भैया फिजिक्स का पेपर देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो एक महामैराथन वीडियो होगा। लगभग एक घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन इस एक घंटे में हम फिजिक्स के 20 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसको लेकर आए हैं, और इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार लगातार आ चुके हैं हर एक क्वेश्चन। तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे चैप्टर, सबसे स्पेशल बात क्या है कि हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस महामैराथन क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेता है, उस वो फिजिक्स में बहुत अच्छी तैयारी कर लेगा, उसकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें, और हमारे साथ कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा है वैद्युत धारा। हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठवां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां है प्रत्यावर्ती धारा। आठवां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। नौवां है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। दसवां चैप्टर है तरंग प्रकाश की। 11वां चैप्टर है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 12वां चैप्टर है परमाणु। 13 नंबर चैप्टर है नाभिक, और 14 नंबर हमारा लास्ट चैप्टर होगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियां। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, टोटल जो 20 क्वेश्चन में बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरे फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, केवल 20 क्वेश्चन पढ़ने से तो काम होगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप जो डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस पर वीडियो बनाइए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे। तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर में चूंकि हम एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और किसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऐसे में एक एक क्वेश्चन ज्यादातर रहेंगे, और 20 क्वेश्चन है, 14 चैप्टर है, तो किसी चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन भी रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो मुझको पता है, मुझे भी पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता है, लेकिन रिवीजन आपका हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेना बहुत जरूरी था। ठीक है, बाकी आगे आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। गॉस की प्रमेय क्या है, सबको पता भी होगा, ठीक है, जिसको जिसको पता है कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं, तो ये जो फाई ई होता है ये उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का परमेय। ठीक है, यही आपका गॉस का परमेय है। अब देखिए, यहां पर अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू, देखिए क्यू का 1 से गुणा होगा तो क्यू अपान ε0 ये हो जाएगा। ठीक है, यही गॉस का प्रमेय है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गॉस का प्रमेय समझना है। देखिए, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, अगर 1 नंबर 2 नंबर में आएगा तब तो आप इतना लिखकर अच्छा नंबर ले आएंगे, लेकिन गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना भी आता है, तो वो विस्तृत तरी प्रश्नों में आता है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, यही गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यू क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इनको भी जानना बेहद जरूरी है भाई, जानोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो क्यों है आवेश,
और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युत सीलता, ठीक है। ये आपका है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप क्वेश्चन तो बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन भैया ये दूसरे चैप्टर से होगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक एक चैप्टर के अप्रॉक्स हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, और कोई कोई चैप्टर है जिसके हम दो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, संधारित्र की धारिता क्या होती है, व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ ये कैपेसिटर, ठीक। तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होती है। अब मैंने बताया था भैया जो संधारित्र होता है उसकी दो प्लेटें होती हैं, एक आपका ये हो गया, ठीक, और दूसरा आपका ये हो गया। तो किसी संधारित्र की जो धारिता है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, जैसे मान लीजिए इसको धनावेश दिया गया, ठीक है, धनावेश दे दिया गया, तो उसकी प्लेट को दिए गए आवेश जो क्यों है और उसके प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर जो वी होता है इसी के अनुपात के बराबर होती है हमारी धारिता, ठीक है। तो ये धारिता का डेफिनेशन हो जाएगा, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो यही आपकी धारिता होती, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ। देखिए इसे प्रदर्शित किससे करते हैं ये भी जानना जरूरी है, तो इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सी से, सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जिसको जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है उनको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब धारिता का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, सी इक्वल टू, देखिए संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश क्यों तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर वी इसी के अनुपात के बराबर होती है, बस इसी के रेशियो को हम धारिता कहेंगे, यही हमारा फॉर्मूला होगा। अगर आपसे कोई पूछे बेटा इसका मात्रक क्या होगा तो आप क्या कहोगे, मात्रक जल्दी बताओ इसका मात्रक। देखिए क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, वी है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। या धारिता का मात्रक एक और होता है आपने सुना होगा फैराड, फैराड भी होता है, ठीक है, माइक्रो फैराड, फैराड, ठीक है, ये सब धारिता का मात्रक होता है, माइक्रो फैराड जो है दूसरा है। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है, यही संधारित्र की धारिता होती है। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, आप डेली पढ़ा रहे हैं, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। देखिए नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया था आप लोग प्ले स्टोर में जाइए शुभम लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए, शुभम लेक्चर, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करोगे भैया तो इसमें आपको सारे नोट्स सारी क्लासेस मिलेंगी। अगर आप लोग चाहें तो क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, पूरे साल का क्रैश कोर्स, मतलब बोर्ड एग्जाम तक का पूरा क्रैश कोर्स, उसमें सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लासेस, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और मेरा नंबर है 9918332305, ये मेरा नंबर है, ये आपको ऐप में भी मिल जाएगा और मैंने दे भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, टेंशन मत लेना, टॉपर बना कर रहेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझसे कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या फिर कोई नोट्स लेना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारे तीसरे चैप्टर से है विद्युत धारा से, ठीक है। अब तक जो हमने दो क्वेश्चन देखे वो हमारे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से थे। तीसरा है कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक भी लिखिए, यानी कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रक भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहले विशिष्ट चालकता को समझते हैं, ये होता क्या है। देखिए किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं,
ठीक है। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जैसे आधा ना होता है वैसे सिग्मा होता है, ठीक है। तो इससे हम डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो सिग्मा इक्वल टू, कहा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो वन अपान विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा सिग्मा इक्वल टू वन अपान रो, जहां पे रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। और आपसे अभी कहा गया डेफिनेशन में कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, अगर एक लाइन में देखा जाए तो यही डेफिनेशन आपका होगा, ठीक है, कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक भी लिखना है, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देखिए इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोहोमीटर इनवर्स, मोहो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर देखा जाए तो मोहोमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है, या फिर अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मैंने आपको कई बार बताया है कि रो जो है भैया ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है और रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इसका एक और मात्रक निकल कर आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी इसका मात्रक होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मात्रक भी आप याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे अरे सर कैसे आया ये, ठीक है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। तो रो जो है, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक है, आर ए अपान एल, आर का मात्रक होगा ओम, ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक। मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल होगा, बचेगा ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ये हो जाएगा रो का मात्रक, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो भैया यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध के जगह पर ओम मीटर जब हम रखेंगे तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बस यही आ जाएगा। समझ में आ गया तीसरा क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो चौथा क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो कि है किरचाफ का धारा नियम लिखिए, यानी कि किरचाफ का धारा नियम क्या है, किरचाफ का पहला नियम आपने पढ़ा उसी को किरचाफ का धारा नियम बोलते हैं, तो ये है क्या इसको समझिए। देखिए किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब कोई भी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ है उसकी किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी वैद्युत संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका बीजगणितीय योग, धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो जीरो होगा, ठीक है। आई है धारा और ये बीजगणितीय योग का साइन है, ठीक है, ये जीरो होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जीरो ही जीरो, इसको कैसे हम सही करें, मतलब कैसे प्रूव करें, हाउ टू प्रूव इट, ठीक है। तो देखिए एक संधि हम बनाते हैं, उस संधि को ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये मान लीजिए एक संधि है, ठीक है। अब इस पर कई धाराएं आकर मिलती हैं, एक भैया हमारे ये आए, एक ये आए, एक ये आए, एक ये आए, ठीक है, एक ये आए, ऐसे ऐसे धाराएं आई, मान लीजिए इसको मान लेते हैं आई वन है, इसको मान लेते हैं आई टू है, इसको मान लेते हैं आई थ्री है, इसको मान लेते हैं आई फोर है, और इसको मान लेते हैं आई फाइव। अब मैंने तो बना दिया, अब आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया कि नहीं दिया, ध्यान दीजिए। देखिए आई वन और आई टू जो है ये देखिए संधि की ओर जा रही है, ये आपका संधि है इसकी ओर जा रही है, तीर देखिए इसी इसकी ओर जा रही है, तो इसको हम प्लस लेंगे, जो संधि की ओर जाएंगी उसको धनात्मक लेंगे, और देखिए जो आई थ्री आई फोर आई फाइव है ये संधि से दूर जा रही है तो इसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा, इसको पॉजिटिव लेंगे इसको निगेटिव लेंगे, तो देखिए आई वन प्लस आई टू ये आपका तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो आई थ्री होगा आई फोर होगा आई फाइव होगा ये निगेटिव होगा, और इन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस ही लगाया है, लेकिन जब ये सब माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर
प्लस आई फाइव, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो भी धारा संधि की ओर आएगी वो धनात्मक होगी, जो संधि से दूर जाएगी वो ऋणात्मक होगी। दूसरी कंडीशन आपको नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक दो नंबर में आता है तो आप इतना लिख सकते हैं कि किसी दृष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग आई इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ऐसे मैंने समझा भी दिया है। तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर। अब देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ये जो क्वेश्चन है भैया ये चौथे चैप्टर से है, जो हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हम पढ़े थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा, कोई आवेश गति करेगा, तो उस पर वैद्युत बल कार्य करेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश गति करेगा तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। वैसे ही ये डेफिनेशन, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, जैसे मान लीजिए आवेश इलेक्ट्रॉन है, इस पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि जब कोई कण, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आवेश है वो क्यों है और वो बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा। देखिए भैया अगर गति कर रहा है तो वो कोई ना कोई आवेश होगा, उसको क्यू हमने मान लिया। अब जब वो चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, जैसे हम लोग पैदल चलते हैं तो हमारा वेग अलग होता है, दौड़ते हैं तो स्पीड अलग होती है। ठीक है, तो वैसे कुछ ना कुछ वेग से चल रहा होगा, उसको वी मान लिया। किसमें चल रहा है, जैसे हम लोग भैया सड़क पर चल रहे हैं मान लीजिए, तो हम लोग सड़क पर चले वो चुंबकीय क्षेत्र बी में चल रहा है। अब किस दिशा में चल रहा है, थीटा कोण पर गति कर रहा है। ठीक है, जैसे फंक्शन होता है शादी विवाह तो उसमें लोग डांस करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग एंगल में डांस करते हैं, कुछ लोग सिंपल डांस, कुछ लोग नागिन डांस, कुछ लोग लुंगी डांस, ऐसे ऐसे उनकी अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जो आवेश गति कर रहा है वो क्यों है, बी वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में और थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो चुंबकीय जो लॉरेंज बल का फॉर्मूला होगा एफ इक्वल टू इस पर लगने वाला लॉरेंज बल होगा। देखिए आवेश क्यों, वेग वी, चुंबकीय क्षेत्र वी और थीटा जो है ये साइन थीटा, इसकी ज्या लेंगे हम लोग और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्यू क्या है, ये आवेश है, वी है वेग, बी है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा है कोण, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा था लॉरेंज बल कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, या आप कह सकते हैं जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। बस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर। अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, देखिए इसी चैप्टर से भैया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, सिंपल सा है। देखिए क्या है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। मतलब किसी वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन होता है, देखिए एक रेखीय समाकलन लेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी कर देंगे, बंद पथ की सीमा है। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन होगा वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, देखिए बी तो लेंगे लेकिन इसके साथ में इसका छोटा सा अवयव भी लेंगे, लघु अवयव डी एल। ठीक है, डी एल वेक्टर लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा, देखिए उस बंद वक्र पृष्ठ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा I का जो है ये म्यू नॉट गुना होगा। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है, यही है हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला। मतलब किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, जहां म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, देखिए यहां पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, डी एल क्या है, डी एल या डेल्टा एल, ये लघु अवयव है, छोटा सा अवयव, लघु अवयव। आई तो पता ही आपका धारा है। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन
दिखने में छोटे हैं बट काम उतना ही बड़ा है। ये दो नंबर एक नंबर में आते रहते हैं, इसीलिए मैं सोचता हूँ आपका नंबर क्लियर हो जाए। अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे आगे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? तो इसको भी नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करिए या फिर आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, ये हमारे 5 नंबर चैप्टर से है, चुंबकत्व एवं द्रव्य से। देखिए क्या, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए भैया हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादातर रहेंगे, ठीक है? बाकी आगे अगर आप कहेंगे तो पूरे फिजिक्स के मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है? लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, आगे मैं आपको बहुत सारे वीडियोज दूंगा। तो किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए। किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? एक है बिस्मथ तथा एंटीमनी, ठीक है? तो बिस्मथ तथा एंटीमनी ये दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है? बिस्मित तथा एंटी मनी। 8वां क्वेश्चन देखिए, अब भैया आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो 6 नंबर चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम इसके दो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक नहीं दो दो क्वेश्चन इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे। देखिए 8वां है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स नहीं होता है, वैद्युत फ्लक्स में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, वो उसमें से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ रखा होगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स में क्या था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते थे। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरेंगी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, तो उन्हीं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, हो गया, ठीक। दूसरा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए लेंज का नियम क्या होता है। देखिए इस सिंपल सा है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और जो प्रेरित धारा है, इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब जिससे उत्पन्न हुई है उसी का विरोध भी करेगी, यही लेंज का नियम है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से, ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। देखिए क्या है, दिए गए प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये आपका एक प्रत्यावर्ती स्रोत दिया गया है, इसमें वैल्यू नहीं दी गई है तो हम लिख देते हैं। देखिए ये आपका 40 वोल्ट है, यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर विभव 40 वोल्ट है। ये संधारित्र के सिरों पर विभव 20 वोल्ट है। प्रेरकत्व के सिरों पर विभव 50 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। तो दिए गए परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कौन सा परिपथ है, देखिए ये L है, ये C है, ये R है, तो ये कौन सा परिपथ होगा प्रत्यावर्ती धारा का, LCR परिपथ, ठीक है। तो इसमें हमें देखिए 3 चीजें दी गई हैं, एक प्रतिरोध के सिरों पर विभव, इसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, VR से, क्योंकि R है प्रतिरोध, V है विभव, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभव दिया गया है 40 वोल्ट। उसके बाद में संधारित्र के सिरों पर विभव VC हमें दिया गया है 20 वोल्ट। उसके बाद में प्रेरकत्व के सिरों पर विभव VL, ये हमें दिया गया है 50 वोल्ट। अब हमें निकालना है विद्युत वाहक बल, या फिर आप बोल सकते हैं परिणामी विभवांतर V निकालना है। देखिए परिणामी विभवांतर बोलिए या विद्युत वाहक बल, ठीक। तो देखिए इसको कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला लगाना है बस आ जाएगा, ठीक है। तो परिणामी विभवांतर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे भैया V से,
वी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा अंडर रूट, ठीक है, वी आर स्क्वायर बी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो हमसे डेली पढ़ते हैं उनको ये शायद न्यूमेरिकल पता भी हो क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल मैंने एक सॉल्व कराया था, ठीक है। ये परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला होगा, तो वी इक्वल टू क्या होगा, देखिए अंडर रूट वी आर की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 40 वोल्ट है तो इसके जगह पर रखेंगे 40, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस वी एल की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट तो 50, बी सी की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट तो 20, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा वी इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा और प्लस 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, तो वी इक्वल टू हमारा होगा अंडर रूट 1600 आपका हो गया ये और प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा, ठीक 900। फिर हम क्या करेंगे, वी इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1600 और 900 जुड़ेगा यानी कि 1600 और 900 तो 2500 होगा। अब 2500 का अंडर रूट करेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा, ये 50 आएगा क्योंकि 50 × 50 इक्वल टू 2500 तो ये आपका 50 वोल्ट आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सा था, हमें प्रतिरोध के सिरों पर विभव, संधारित्र के सिरों पर विभव और प्रेरकत्व के सिरों पर विभव दिया गया था, हमें परिणामी विभव निकालना था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और एटलीस्ट जो हमारा आंसर आया वो 50 वोल्ट आया, बस हो गया, ठीक। ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का क्वेश्चन है, तरंगे, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। देखिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए, मतलब सबसे पहले आपको सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली तरंग का नाम लिखना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, फिर सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली तरंग का नाम लिखना है। सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली तरंग है रेडियो तरंगे, ठीक है, इनकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है तो रेडियो तरंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग है वो गामा किरणें होती हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ इन्हीं की होती है, बस हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन था और वन लाइनर आंसर भी हमने इसमें दे दिया है, ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं था। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, ये फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है तो ये क्वेश्चन आंसर हमने जान लिया। अब आएंगे सेकेंड पार्ट में जो कि किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर है 9 नंबर, इसमें हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, यानी कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है इसका मात्रक भी लिखना है। तो लेंस की क्षमता सिंपल सा है, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी इक्वल टू क्या होगा, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के, तो 1/f लिखेंगे, मीटर में नापी गई है तो मीटर लिखेंगे, ठीक है, मीटर मीटर में लिख दीजिएगा ऐसे मीटर में, ठीक, तो इसी के बराबर होती है, यानी कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर मान लीजिए आपका सेंटीमीटर में दिया गया फोकस दूरी तो ये फॉर्मूला कैसे होगा, तब ये होगा पी इक्वल टू 1/100/f ये होगा, ठीक है, तब ये फॉर्मूला आपका होगा अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो। अब f आप लिखेंगे लेकिन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, अब इस प्रकार का फॉर्मूला होगा, इसका एक मात्र मात्रक होता है, इसका यूनिट लेंस की क्षमता का वो होता है डायोप्टर, क्या होता है वो डायोप्टर लिख देंगे, डायोप्टर इसको हम लोग डी भी लिखते हैं ऐसे डी, ठीक, तो ये इसका मात्रक होता है, बस सिंपल सा था, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, बस हो गया, ठीक, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है और अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल होगा। देखिए दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है, लिख देंगे क्षमता,
क्योंकि फोकस दूरी तो हम वैसे ही ज्ञात कर सकते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, मतलब दो उत्तल लेंस है जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों की फोकस दूरी लिखेंगे, मान लीजिए F1 है आपका एक, दूसरा F2 है, दोनों की फोकस दूरी हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक की क्षमता निकाल लेंगे, पहले पहले लेंस की क्षमता निकालेंगे तो लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे वो संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी, पहले लेंस की क्षमता। क्षमता कैसे निकालोगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्षमता, ठीक, मैंने फॉर्मूला बताया था पी इक्वल टू 1/f, लेकिन आपका जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है तो 100/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम पहले लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो इसको P1 मानेंगे, P1 इक्वल टू 100/f1, देखिए ये आपका सेंटीमीटर में है तो 100/f भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर में होता तो हम 1/f लिखते, तो 100/f1 की वैल्यू है 20, ठीक, कट करेंगे तो P1 इक्वल टू हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर, P1 इक्वल टू 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर ये आएगा, ठीक है। ऐसे दूसरे लेंस की क्षमता निकालेंगे, वही सेम आएगा, दूसरे लेंस की क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे P2 से, P2 इक्वल टू हमारा होगा 100/f2, 100 f2 की वैल्यू रखेंगे 20, कट गया ये भी, ठीक है 5 आया, तो हमारा P2 इक्वल टू भी आएगा 5 डायोप्टर। अब संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, P1 प्लस P2 जोड़ देंगे, बस आ जाएगा, ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ देंगे, P1 प्लस P2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो P1 की वैल्यू भी हमारी 5 है, P1 की वैल्यू भी है 5, P2 की वैल्यू भी है 5, दोनों को ऐड करेंगे तो संयुक्त लेंस की क्षमता जो आएगी वो 10 डायोप्टर आएगी, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो कुछ नहीं था, दो लेंस दिए गए थे, दोनों की फोकस दूरी दी गई थी, हमने एक एक की क्षमता निकाली, फिर दोनों को जोड़ दिया, संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये किरण प्रकाश की चैप्टर से नहीं है, ये तरंग प्रकाश की चैप्टर से है, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है। देखिए क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, सिंपल सा है, याद रखिएगा। देखिए किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, मतलब कोई भी माध्यम है उसमें दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ और एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अब माध्यम में बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे, जैसे हमारे बादलों में भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखिए अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन जो होगा वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब माध्यम में जो दोनों तरंगे चल रही हैं तो जो माध्यम में उपस्थित कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों के अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा तुरंत याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। देखिए क्या है, टॉपिक को समझिए, कार्य फलन की परिभाषा लिखिए, कार्य फलन क्या होता है, ठीक है, कार्य फलन देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। इसके लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई धातु है, ये कोई मेटल है, ठीक। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्या होंगे, अब भैया ये मेटल है तो इसमें आवेश होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई आपतित एक प्रकाश आई और इससे टकराई, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आग टकराता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
ठीक है, ये आपका प्रकाश आया इस धातु की सतह से टकराया, तो यहाँ पे आपका इस धातु की सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा, तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें समझिए, देखिए आपतित प्रकाश है, ठीक है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्त होगी। अभी देहली आवृत्त पूछा जाएगा तो यही डेफिनेशन लिखना होगा। अब आपसे कार्य फलन पूछा गया, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो कार्य फलन होगा। वही मैंने बताया है कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। तो यहाँ से दो तीन चीजें आप समझते हैं, मतलब सबसे पहले ये समझिए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इसको बोलते हैं। तो जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह से टकराता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कोई पूछे देहली आवृत्ति क्या है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति होगा। कोई पूछे देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली तरंग दैर्ध्य होगा। कार्य फलन क्या है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो कार्य फलन होगा। बस ऐसे डेफिनेशन बना दीजिए, ठीक है। इसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं कार्य फलन को, और डब्ल्यू इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। एच क्या है, प्लैंक नियतांक है, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, ठीक है, क्या है देहली आवृत्ति जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब चूंकि जो म्यू नॉट होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपान लैम्डा, तो यहाँ पे म्यू नॉट जो होता है वो सी अपान लैम्डा नॉट के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा नॉट, ठीक है। ऐसे भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए, मैंने पहले बताया आपको कि जो कार्य फलन डब्ल्यू है वो एच म्यू नॉट के बराबर होता है, तो एच है प्लांक नियतांक, म्यू है, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। अब चूंकि म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट होता है, सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले म्यू नॉट की जगह पर इसको रखेंगे तो एच सी अपान लैम्डा नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कार्य फलन, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक वही आ गया जो मैंने आपको समझाया था, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देखिए सिंपल सा है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाती है। एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने चित्र में समझाया ये सारा डेफिनेशन, ठीक। देहली तरंग दैर्ध्य आएगा तो भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, बस तरंग दैर्ध्य कर दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होगा इसका, वही सिंपल सा, म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट, अभी मैंने बताया था, ठीक है, जहाँ सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट है आपका देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से है, क्योंकि इससे दो तीन नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबको पता है, व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो ये होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, ये होता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। यहाँ पर एच क्या है, एम क्या है, वी क्या है, ये जानना जरूरी है। देखिए एच है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। एम क्या है, द्रव्यमान, मतलब कण का द्रव्यमान लिख दीजिए, कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। V क्या है, कण का वेग, कण का वेग, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन एक चीज और होता है, देखिए चूंकि जो P होता है संवेग वो mb के बराबर होता है, P इक्वल टू होता है mb, ऐसे आप लिख दीजिएगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है mb, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी के जगह पर P कर देंगे, एच अपान पी, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को। P है संवेग,
कण का संवेग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। तो ये आपका था 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जो 12 नंबर चैप्टर है परमाणु। देखिए क्या है, रिडबर्ग नियतांक का मान लिखिए, रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। देखिए इसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स। यही होता है रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, नाभिक चैप्टर के भी एक दो क्वेश्चन हमने पढ़ लीजिएगा। 19 नंबर जो है ये लास्ट चैप्टर है। देखिए ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, ये अर्धचालक चैप्टर का क्वेश्चन है 14 नंबर। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए, इसमें दो ऊर्जा बैंड होते हैं, एक चालन बैंड मतलब दो ही का लिखना है, और एक होता है संयोजी बैंड। बस हो गया, ठोसे में उपस्थित दो ऊर्जा बैंडों के नाम चालन बैंड, संयोजी बैंड। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसी चैप्टर से, अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए, व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड राइट ए नेम ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाती है। मतलब जिसकी वैद्युत चालकता चालक से कम हो अचालक से अधिक हो वो अर्धचालक कहलाएगी, बीच में। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हमारा था 20 नंबर क्वेश्चन, मतलब जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, वो अर्धचालक क्या होता है, तो जो अर्धचालक होते हैं ये ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता जो है वो चालकों से कम होगी लेकिन अचालकों से अधिक होगी, वो अर्धचालक कहलाएंगे। एग्जांपल है जर्मेनियम। ठीक, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में हमने 12th फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको बता दिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।